तुमने तो कई बार मुझे शाजमा की असलियत का बताया, मगर मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। खुद ही है खुद को मिटाया। शाजमा की बातों में आकर बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी हैं मुझसे। बेटा, बड़े होने का मतलब ये थोड़ी है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। इंसान चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उसे जब भी अपनी गलती का एहसास हो तो उसे तस्लीम करने में आर नहीं होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, रिश्ते बोझ नहीं लगते, बल्कि उन्हें निभाना आसान हो जाता है। हम इंसानों का भी अजीब अलमी है बेटा कि हम कभी अपने रुतबे, कभी हैसियत और बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। कभी किसी के साथ ज्यादती कर दी, कभी किसी का दिल दुखा दिया, ये सोचकर कि हम बड़े हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शायद इस दुनिया में तो अपने रुतबे की वजह से हमारी खलासी हो जाए, लेकिन ऊपर जाकर अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? मैं नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया से अपने दिल पर कोई बोझ लेकर जाऊं, इसलिए बेटा मैं तुमसे माजरत कर रही हूं। तुमने तो कई बार मुझे शाजमा की असलियत का बताया, मगर मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, और जिस पर भरोसा किया उसी ने मेरा मान तोड़ दिया। आप परेशान मत हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। जब से शाजमा की हकीकत का पता चला है, हर चीज से दिल उठ गया है मेरा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मुझ पर बीती है वो जीशान के साथ भी हो, उसका भी दिल टूट जाए, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ बेटा कि अल्लाह पाक उसे हदायत दे, वरना उसकी खुशसरी से तो मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं। आप अपनी दुआओं पर भरोसा रखिए अम्मी, इंशाल्लाह जीशान के हक में जो बेहतर होगा वही होगा। इंशाल्लाह, आमीन। जीती रहो बेटा।